वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस साल दुर्गा पूजा में पिछले साल की तरह व्यापक तरीके से मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए पूजा पंडाल कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा, लेकिन पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जा सकेगी। कानपुर के सुप्रसिद्ध बारा देवी मंदिर में नवरात्रि को लेकर तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारियां आयोजक समिति के पदाधिकारी करने में जुटे हैं। 17 अक्टूबर को कलश स्थापना और माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। अधिकांश जगहों पर इसी समय कलश स्थापित किए जाते हैं। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेले में लगने वाले अलग अलग प्रकार के झूले का भी लुफ्त नहीं मिल सकेगा। हर साल मेले में लगने वाले झूले के मालिक और कारीगरों के भी इस बार सपने अधूरे रह गए। 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं नवरात्र में लगने वाले मेले का, जिसमें वह काम करके साल भर अपना पेट पालते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सब अधूरा रह गया। देखिए हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर बारा देवी में, ये कानपुर का जाना माना मंदिर है। आज यहाँ पर जैसे कि नवरात्र में लॉकडाउन खुल चुका है, इस नवरात्र में जोर शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। और पिछले नवरात्र में यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। मंदिर खुलने के आदेश हैं, जैसे ही मंदिर खुलने के आदेश आने के बाद नवरात्रों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है, आने जाने की सुविधा लगी हुई है। यहाँ पर कल से नवरात्र चालू हो रहा है। नवरात्र में यहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है। गाइडलाइन को देखते हुए लोग यहाँ पर मंदिर में बैरिकेडिंग लग चुकी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद हो गई है। आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे IPN न्यूज़ के लिए गुलाब शर्मा की रिपोर्ट।